नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे केदारनाथ में। आज से फिर हेली सेवा शुरू। हेलीकॉप्टर का किराया 25% हुआ सस्ता। पैदल मार्ग बंद होने के चलते किराए में दी गई छूट। सीएम धामी ने पैदल यात्रा जल्द शुरू करने के भी दिए हैं निर्देश। चारधाम यात्रा फिर से शुरू के लिए हर संभव कोशिश जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से सुचारू कर दी गई है। और ऐसे में पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने के चलते हेलीकॉप्टर यात्रा में भी 25% तक किराए में कटौती की गई है। 25% तक राज्य सरकार सब्सिडी भी देगी। और ऐसे में अब केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। और संवाददाता हिमांशु गोड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है अब, किस तरह से यात्री जो हैं वो दर्शन कर सकेंगे बाबा केदार के? जी बिल्कुल सर, जिस प्रकार से केदारनाथ में आपदा आई थी और उसके बाद जो है केदारनाथ यात्रा को अगले आदेश तक राज्य सरकार ने स्थगित कर दिया था, और अब कहीं ना कहीं जो है हेली सेवा से अब यात्रा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हेली सेवा अब शुरू कर दी गई है, और ऐसे में 25% तक जो किराया है उसमें भी छूट यात्रियों को दी गई है, क्योंकि जो यात्री दूर राज्यों से अभी भी केदार घाटी में फंसे हुए उनको सुरक्षित यात्रा हो और जल्द से जल्द बाबा केदार के दर्शन कराकर वो अपने गंतव्य तक वापिस जा सके, और ऐसे में सुगम यात्रा कराने हेली सेवा के माध्यम से यात्रा कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध, और कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पैदल मार्ग जो है उनको जल्द से जल्द खोला जाए। पैदल मार्ग खोलने के लिए अब सेना की सहायता जो है ली जा रही है, और सेना के साथ ही पैदल मार्ग से यात्रा शुरू करने के लिए जल्द से जल्द राज्य सरकार इस समय प्रयास करती हुई है। हिमांशु, अगर रेस्क्यू कार्यों की बात करें तो किस तरह के रेस्क्यू कार्य अभी हो चुके हैं या अभी किस तरह से चल रहे हैं? जी सर बिल्कुल, रेस्क्यू के कार्यों की अगर हम बात करें तो सेना की मदद अब ली जा रही है। सेना के साथ ही एनडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तमाम सुरक्षा बल है। इसी के साथ ही हेली सेवाओं, हेली एम्बुलेंस के हो या ड्रोन के माध्यम से हो, तमाम तरीके से जो है लगातार रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं। चाहे भीमबली हो, केदारनाथ सोनप्रयाग का मार्ग हो, फाटा हो, गुप्तगाजी हो, तमाम ऐसे स्थानीय जंगलों में जहां लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं और जिस प्रकार से आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी तक पूरे प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा लोगों का जो है सफल रेस्क्यू राज्य सरकार ने किया है, और केदारनाथ के एक विशेष पड़ाव जो है वो हो जाता है, और ऐसे में केदारनाथ में विशेषकर जो है रेस्क्यू कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लक्सर से बड़ी खबर, उत्तराखंड में आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश में 4 राजमार्ग समेत 87 सड़कें बाधित। बागेश्वर में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। लक्सर से होकर गुजरने वाली नीलधारा गंगा का भी बढ़ गया है जलस्तर, खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है एक बार फिर से नीलधारा नदी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कि एक बार फिर से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। लक्सर प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और उसके बाद बादल फटने से इलाके की तस्वीरें बदल गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां केदार घाटी में आपदा के कारण फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में जुटी हुई है, और इन सब के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए हैं। दावा है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की तरह जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड के सीएम, हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण, बैठक कर सीएम ने दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और बादल फटने के बाद से अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कभी हवाई सर्वेक्षण कर रहे तो कभी स्थलीय निरीक्षण कर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे तो कभी मौके पर जाकर राहत बचाव कार्य में लगे कर्मियों को दिशा निर्देश दे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को पल पल की जानकारी दी। सीएम धामी की गंभीरता का ही नतीजा है कि केदारनाथ मार्गों पर फंसे सभी तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया और स्थानीय आपदा पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत पहुंचाई गई। देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार आपदा के क्षेत्रों में जाकर के स्वयं निरीक्षण करने का काम कर रहे हैं, सभी अधिकारियों के साथ में मिल करके किस तरीके से हम यात्रा को दोबारा शुरू कर सकते हैं इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस पर वार्ता कर रहे हैं मंत्री से, विधायक से, जनप्रतिनिधियों से। और सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की यही थी कि हम वहाँ से उन यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा सके, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचा सके, क्योंकि अन्य प्रदेशों से जो लोग आए हुए थे वो क्या संदेश लेकर इस उत्तराखंड से जाएंगे। रुद्रप्रयाग में सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण, स्थलीय निरीक्षण के बाद की समीक्षा बैठक, बाधित सड़क मार्गों को खोलने के निर्देश। मंगलवार को सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके साथ ही स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पैदल यात्रा को संचालित करने के साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिसमें उन्होंने केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षतिग्रस्त सड़कें, नुकसान और पुनर्निर्माण को लेकर चर्चा की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दी। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी प्राथमिकता की, जो हमारे जो प्रदेश के लोग थे और जो बाहर से लोग आए हुए यात्री जो फंसे हुए थे, इतना बड़ा रेस्क्यू इतनी जल्दी 6 दिन के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम हमारी SDRF, NDRF, पुलिस के जवान, जितने भी हमारे विभाग इस प्रदेश के हैं, PWD, लोक निर्माण, सभी ने मिलकर के उन यात्रियों को बचाने का काम किया, तो धन्यवाद की पात्र है हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, जिनके सानिध्य में हमारे यात्री भी सुरक्षित निकले और बहुत जल्दी सुचारू रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा को दोबारा चलाने वाले हैं। और जो सड़कें हमारी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं उनका आकलन कर उनका जो भी पूरा खाका होगा वो केंद्र को भेजने का काम करेंगे और वहां से जो भी हमें मदद मिलेगी उसके तहत हम लोग इन सड़कों को सुचारू रूप से काम करने का काम करेंगे। 11,652 तीर्थ यात्रियों का सुरक्षित रेस्क्यू, चिनूक MI-17 से मिला भरपूर सहयोग, सर्च ऑपरेशन में स्नीफर डॉग की मदद, तीर्थ यात्रियों ने की सीएम धामी की तारीफ। केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्गों पर कई दिनों तक राहत बचाव अभियान चला। राहत बचाव कार्य में फंसे तीर्थ यात्रियों को निकालने के लिए सेना, NDRF, SDRF और पुलिस के जवान दिन रात काम करते रहे। खास बात ये रही कि केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ ही वायुसेना के MI-17 और छोटे हेलीकॉप्टर ने भी भरपूर सहयोग किया। चिनूक ने चमोली की गौचर हवाई पट्टी से उड़ान भरी। 11,652 से ज्यादा तीर्थ यात्रियों को सकुशल निकाला गया। केदारनाथ धाम यात्रा वाले रास्ते पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन के दौरान स्नीफर डॉग की मदद ली गई। डॉग स्क्वाड की मदद से रामबाड़ा से भीमबली क्षेत्र सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमारा विश्वास है सरकार पे, आज हमने उन्होंने हमको पहुंचा दिया। हाँ जी, लगे हैं बेचारे और सबको बचाने पे। हाँ, अपनी जान उनके हाथ में ले रखे दूसरे को बचाने के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका बेचारा के चलना चाहिए और सबकी व्यवस्था होना चाहिए और सबका जीवन बचना चाहिए। जैसे ही मौसम खुला हम वायुसेना के जहाज से हमें गुप्तकाशी में और आपके गुप्तकाशी जागधार में यहाँ छोड़ दिया गया है। और मैं इसी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी सरकार का, उत्तराखंड सरकार का, भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सब कुशल हम घर जाएंगे ये विश्वास था, दिलों से हाथ जोड़ के बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं उनका कि जो हमें सुविधा मिली और उस सुविधा से हम जैसे अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ गुप्तकाशी आए हैं और भी हमारे हैं, हम 60 बोले हैं जो हम आए हैं, धीरे धीरे करके सब आने लग रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं नीचे जो खतरा था ऊपर, और बहुत ही अच्छा लगा इंतजाम सरकार के द्वारा। सीएम की गंभीरता, यात्रियों ने ली राहत की सांस, यात्रा मार्गों को जल्द से जल्द शुरू कराने पर जोर, बादल फटने और बहुत अधिक बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया और अब क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कर केदारनाथ पैदल यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश तेज कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी यात्रा मार्ग सही हो जाएंगे और चारधाम यात्रा फिर से रफ्तार पकड़ लेगी। उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लिहाजा पहाड़ों में बरसात की सीजन में बादल फटना या फिर भारी बारिश कोई नई बात नहीं है। हर साल प्रदेश के किसी न किसी इलाके में आपदा से लोग प्रभावित होते हैं, इस बार भी आपदा जैसे हालात बने।
लेकिन राज्य के मुखिया की गंभीरता से तीर्थ यात्रियों के साथ ही स्थानीय आपदा पीड़ित परिवारों ने राहत की सांस ली। आपको जानकारी होगी जिस प्रकार से तोली में, जिस प्रकार से बूढ़ा केदार में, जिस प्रकार से धनगढ़ में समस्याएं बढ़ी थी और एक फिर उसके बाद एक और हमारे गांव में बादल फटने की घटना हुई थी। 26 जुलाई को मैं वहां गया भी था, जाके देखा भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हमारे कमिश्नर गढ़वाल वहां पे अलग दिन गए। यानी कि हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं। उनके लिए जो हमारे कैजुअल्टी हुई उनको मुआवजा राशि दी जा चुकी है। पशुहानि जहाँ हुई है उनको मुआवजा राशि समय से पहले यानी समय के अंतर्गत हमने दिया है। ये पहली सरकार है कि इस प्रकार की घटनाओं में तुरंत सर्वे करके और उनका निस्तारण भी साथ साथ कर रहे हैं। जहाँ हमारे कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, परिवारों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ पे उनके रहने के खाने की सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। राहत शिविरों में पीड़ितों के लिए बेहतर व्यवस्था, आपदा पीड़ित परिवारों को दिया गया मुआवजा। आपदा में कई जिलों को भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जैसे ही खबर देहरादून पहुंची, तुरंत ही मुख्यमंत्री ने गंभीरता के साथ काम किया। टिहरी में बादल फटने की खबर मिलते ही रात में ही सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देना शुरू कर दिया था। और सुबह होते ही सबसे पहले उन्होंने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके तुरंत बाद मौके पर पहुंच गए। आपदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हालचाल जाना, राहत शिविरों में खाने पीने की बेहतर व्यवस्थाएं कराई, भारी नुकसान से प्रभावित आपदा पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया। जो बादल फटा था उसके बाद थोड़ा नॉर्मल स्थिति है, जहाँ सड़कें डैमेज हुई उनको ठीक किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि जहाँ पिछली बार पुल बहा था वहाँ पे 3 दिन के अंदर वैली ब्रिज वहाँ पे लगा के आवागमन को समुचित व्यवस्था के तौर पे शुरू कर दिया गया है। यानी कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मैं भी बार बार वहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा और वार्ता कर रहे हैं। आपदा के इस संकट की घड़ी में मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसी स्थिति में वो खुद भी सचेत रहें और ऐसी स्थिति में जो बहुत भयंकर स्थिति है उसमें थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। चारधाम यात्रा मार्गों पर फंसे हजारों तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लिहाजा अलग अलग राज्यों से पहुंचे यात्री बीजेपी सरकार की मुखिया पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बरसात के समय में उत्तराखंड जैसे प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि कोई अनहोनी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, लक्सर से बड़ी खबर मिल रही है, अधिवक्ताओं और स्टाम्प वेंडरों की हड़ताल जारी। अधिवक्ताओं ने हड़ताल को 2 दिन और बढ़ाया, रजिस्ट्री प्रक्रिया में नई व्यवस्था का कर रहे हैं विरोध। हरिद्वार और देहरादून जिले में नहीं बिके स्टैंप, आज सीएम से मिलने का समय लेंगे अधिवक्ता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहां अधिवक्ता आज सीएम से मुलाकात करने के लिए समय भी लेंगे और 2 दिनों से स्टैंप नहीं बिके हैं हरिद्वार जिले में, रजिस्ट्री प्रक्रिया में भी नई व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार और देहरादून जिले में स्टैंप नहीं बिके हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सीएम से मिलने का भी समय लेंगे अधिवक्ता। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी के पोखड़ा विकासखंड को कार्यालय भवन समेत 4 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक मुख्यालय पोखड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभी योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मंत्री ने पोखड़ा रेंज में लोक पर्व हरेला के चलते वृक्षारोपण भी किया। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश के साथ साथ चौबट्टा खाल का भी चौमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि सतपुली झील निर्माण के साथ साथ विधानसभा क्षेत्र में कई पंचायत भूमि का निर्माण किया जा रहा है। भवन का यहाँ जो है आज लोकार्पण हुआ है और बड़ी खुशी की बात है, काफी जनता यहाँ आई हुई है, महिला बहुत ही ज्यादा उत्साहित है और बड़ी अच्छी भागीदारी उन्होंने यहाँ पर की है। बड़ा अच्छा भवन बना है, इसमें हॉल बना है, अच्छी कैपेसिटी है, इसमें करीब 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है और इस क्षेत्र के अंदर सभागार की बहुत मांग थी, आज वो पूरी हो गई है और विकास के
मैं कामों के लिए ये भवन जो है हमेशा समर्पित रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे विकास खंड पोखरा का ये जो नया भवन है उसका माननीय मंत्री जी जो भारत उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया और आज हमारा सारा स्टाफ जो है नए भवन में शिफ्ट हो गया है। और ये जो हमारा भवन बना है इसको 3,58,00,000 में बना हुआ है और ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि जो हमें नए भवन का वो मंकला मिला और इसे हमारे सारे कर्मचारियों को इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने का अवसर मिलेगा। जो भवन है इसको एक नया भवन के रूप में जो है यहाँ का कार्य होना चाहिए, तो मैंने जो है पत्राचार के माध्यम से माननीय महाराज जी को जो है इसका संज्ञान दिया और उन्होंने मेरी बात का संज्ञान लेते हुए 30 मार्च 2021 में इसको स्वीकृति दिलाई। इसकी लागत 3,38,00,000 रुपए है और ये बहुत बड़ा भवन जो है हमारा तैयार हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे विकास का जो विकास की जो गति हो का पहिया होता है वो विकास भवन विकास खंड से शुरू होता है, तो इसी को मैंने जो है प्राथमिकता देते हुए पहले सबसे पहले जो है यहाँ भवन निर्माण करवाया। आपने देखा होगा कि बस अड्डे से लेके मुख्यालय तक का रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब था, तो उसका भी जो है हमने PWD से 14,00,000 रुपए स्वीकृत करा के जिला योजना से उसका भी जो है हमने कार्य बनके तैयार हो चुका है। मैं कहूँगा कि आज बहुत सुविधाएं यहाँ पे हो गई, अरे माननीय पंचायती राज मंत्री और ब्लॉक प्रमुख और ब्लॉक BDO साहब वगैरह उन सारे कर्मचारी लोग इनकी सहानुभूति से सब कार्य सफल हो पाए। और पहले हम आते थे ब्लॉक में तो कर्मचारियों को पता नहीं चलता था कौन कर्मचारी कहाँ बैठा है। आज सभी कर्मचारियों के अलग अलग स्थानों अलग अलग रूम मिले हैं, अलग अलग नेम प्लेट लगे, जिस भी कर्मचारी के पास जाना आप आसानी से जा सकते हो। ये जो भवन है ये 338,82,000 रुपए की लागत स्वीकृत और एक ग्रामीण निर्माण प्रखंड पौड़ी द्वारा स्वीकृत कराया गया बनाया जा रहा है और इसमें खंड विकास अधिकारी का कक्ष हो गया, प्रमुख जी का एडियो रूम है, तमाम स्टाफ के लिए पर्याप्त कष्ट है। तो हमारे पास 180 लोगों के बैठने के लिए मीटिंग हॉल भी है 14x14 मीटर का। इनके 200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है मीटिंग हॉल में, बाकी हर किसी के लिए अलग अलग कमरा अवेलेबल है। उत्तराखंड की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे उत्तराखंड के लिए हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अब देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के नाम से भी पहचान मिलेगी। अक्टूबर से नवंबर के मिडिल उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की है। इसके साथ साथ मैं आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे, तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है इन सब की समीक्षा की गई है। और साथ साथ में ये साफ साफ निर्देशित विभाग को किया है कि इस कैबिनेट में किसी भी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वह आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ में जैसे ही कैबिनेट से पारित होता है तो विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाना चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होना चाहिए, एक अधिकारी इसमें लगातार परस्यू करे और मैं भी संबंधितों को जहां कहीं भी हर्डल्स आता है तो मैं भी संबंधितों को फोन करती रही हूं, आगे भी जहां करना उचित होगा तो वहां। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 9 अगस्त से 14 अगस्त तक कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकालेगी। दरअसल हरिद्वार में कॉरिडोर बनाने को लेकर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। ऐसे में कांग्रेस विधायक रवि बहादुर कॉरिडोर बनाने को लेकर BJP पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं और इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कांग्रेस की ओर से जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। जब DPR बन रही है, हमने 9 तारीख से जन जागरण यात्रा निकाली है।
मुद्दा बड़ा क्लियर है। जो एक लोगों को, हरिद्वार के लोगों को भय में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक अनियमितता बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम है जन जागरण यात्रा का, हर की पैड़ी से हम शुरू करेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल सा क्लियर है कि शहर के विधायक जो कि भाजपा के विधायक हैं वो कह रहे हैं हेरिटेज सिटी बनेगी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा, कॉरिडोर बनेगा अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कहाँ से बनेगा कैसे बनेगा। नगर विधायक कह रहे हैं मैं रोड़ी बेल वाला कॉरिडोर को ले जाऊंगा, इसको हेरिटेज सिटी बनाएंगे। हेरिटेज सिटी बनाना ना तो प्रदेश सरकार के हाथ में है ना विधायक के हाथ में है, वो बनेगा तो प्रधानमंत्री उसके लिए जो है प्रस्ताव भेजेंगे, यूनेस्को उसको फाइनल करेगा, करेगा नहीं करेगा वो यूनेस्को पे डिपेंड करता है। और ये बहुत अच्छी बात है, अभी हमारे से पहले प्रदीप चौधरी जी ने एक बात की है कि पर्यटन और धार्मिक स्थल दोनों में अंतर होता है। 110% अपनी नाकामियों, मैंने पहले भी बताया कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नगर निगम चुनाव को लेके अभी 2 बाय इलेक्शन ये हारे हैं, अभी केदारनाथ में जा रहे हैं, वहाँ पे भी दुनिया भर के ने प्रभारी बना दिए, ने इतना डर सता रहा है कि 7.5 साल इस प्रदेश में राज करने के बाद वहाँ 5-5 मंत्री प्रभार दे रहे हैं कि आपको केदारनाथ या सीट जितानी है। तो कहीं ना कहीं ये देहरादून डीएम सोनिका ने नगर पालिका में अलग अलग विभागों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से शहर में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने बरसात के दौरान हुए मार्गों के नुकसान का भी जायजा लिया है, साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द पूर्ण कार्य करने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भी गलोरी धार में हो रहे भूधसाव का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश भी दिए हैं। आज सबसे पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे मॉल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुस्ताडाहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे, और क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन अराउंड 70-75% होता है तो जो छूट जाता है उसके लिए लोग यहाँ हमें कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से उठाना है और हम समय के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वहाँ से कूड़ा उठवा लिया करेंगे। तो एक ये हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है तो जो टूरिस्ट आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रैश बैग दें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।